Hello students, click on the subscribe button and never forget to hit the bell icon for instant notification from my institute. Hello students, तो चलिए अब हम लोग start करते हैं अपना next topic. Next topic का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर 7.4 का type 2 करेंगे. Type 2 और type 3 दोनों के questions हम यहाँ पर करेंगे. देखिए जरा type 2 को हम लोग start करते हैं. टाइप टू में किस तरीके के क्वेश्चन थे कि वन अपॉन में रूट में और विदाउट रूट में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी. अब वहां पर सॉल्व करना था आपको. देखिए सॉल्व किस तरीके से करेंगे, या तो आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि मान लीजिए आपको यहां पर कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो आप क्या करोगे, ए देखोगे, बी देखोगे और सी देखोगे, जो भी वैल्यूज होंगी. करना क्या है, करना ये है कि आप क्या करोगे, जो a वाली वैल्यू होगी वो 1 अपॉन में a रख करके बाहर रख दोगे. उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर dx ये लिखा हुआ है, सिंपल x प्लस में जो b होगा वो यहाँ पे लिखोगे अपॉन में 2a, ब्रैकेट बना करके उसका स्क्वायर लिख दोगे, प्लस में c अपॉन में a माइनस b स्क्वायर अपॉन में 4a का स्क्वायर. अब मेरी बात समझिए कि ये आया कहां से, इसका रीजन भी चाहिए होगा आपको. देखिए जरा, रीजन ये है कि हम लोगों ने करा क्या, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया. अब आप बोलोगे सर परफेक्ट स्क्वायर बनाने की क्या जरूरत थी, मैं आपसे बोलूंगा कि याद करो जो फॉर्मूले याद करें आप लोगों ने, उसमें x और x का एक वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के अलावा कुछ और था क्या, नहीं था वहां पर. तो जब वहां पर और कुछ नहीं था तो अब आप करोगे क्या, आपको इसे उसी फॉर्म में तो लाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि x का जो कोफिशियंट हो वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. तो देखिए जरा, वो तभी हो पाएगा जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे. जब हमने उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाला तो ये बचा, और जब हम लोगों ने ये देखा तो हम लोगों को पता चला कि यहां पर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो ये है, कांस्टेंट वैल्यू है जो ये है. तो अब ये कांस्टेंट वैल्यू 5 भी हो सकती है, मान लो ये 5 लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअल में क्या लिखूंगा मैं, इसे 5 नहीं लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा रूट 5 का होल का स्क्वायर. देखिए जरा ये सब आया कहां से, सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, ठीक है. आपको अप्रोच इसी तरीके से करना है, लेकिन अगर किसी को डायरेक्ट बहुत फास्ट करना है क्वेश्चन तो आप यहां से देख करके कर सकते हो, लेकिन मैं पूरा का पूरा मैकेनिज्म भी आपको समझा रहा हूं कि कैसे ये आया. देखिए जरा यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो किया क्या, सबसे पहला काम होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या बनाना, 1. तो हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो 1 बनाया, होल में से एक कॉमन निकाल लिया, एक कॉमन बाहर आ गया, ठीक है. जब एक कॉमन बाहर आ गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस में बी बाय ए एक्स. अब जरा ध्यान दीजिए यहां पर, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है. अगर मैं ध्यान से देखूं कि अगर मुझे एक्स प्लस माइनस समथिंग किसी का स्क्वायर बनाना है, तो जब एक्स प्लस समथिंग करूंगा और मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा, तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस उस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर प्लस 2 × x × वो कॉन्स्टेंट आएगा या नहीं आएगा, आएगा. तो अब देखिए जरा यहां पर एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स दे रखा है, लेकिन यहां पर वो कॉन्स्टेंट जो है उसकी जगह पर तो यही दे रखा है, केवल 2 तो दे नहीं रखा. तो मैंने क्या करा, अपनी तरफ से नेक्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया. इस बात को जरा ध्यान से समझना, वो क्या रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया. आप देखिए जरा यहां पर 2x² प्लस 2ab, अगर मैं इसको b मान लूं तो क्या हो रखा है, एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मैं बोलूं यहां पर x प्लस c को मैं एक कॉन्स्टेंट मान रहा हूं, ठीक है, या फिर d मान लो आप थोड़ी देर के लिए, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xd प्लस d का स्क्वायर, यही आएगा. अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर एक्स स्क्वायर तो है भाई, 2 मैंने अपने तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 डिवाइड भी कर दिया, अब x भी है, तो ये जो d है वो क्या हो गया मेरे पास, वो हो गया मेरे पास d अपॉन में 2a, हो गया. अब मुझे यहां पर क्या चाहिए, d का स्क्वायर भी चाहिए. अब भाई जब d का स्क्वायर मुझे चाहिए, तो मैंने क्या करा, इसका स्क्वायर एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया. अब जरा ध्यान से देखना, ये और ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये मिलकर के बना रहे हैं एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, वही बना रहे हैं, इसको कंबाइन कर दिया. अब बचा हुआ क्या था, c अपॉन में a माइनस b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, वो मैंने ऐसे लिख दिया. अब यही चीज उठा करके इन्होंने यहां पर लिख दी है, बस
कोई बहुत बड़ा जादू तो हुआ नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से बनाते हैं। ओके तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग टाइप टू के ऊपर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, हमें क्वेश्चन दे रखा है डी एक्स अपॉन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको दो तरीके बताए, या तो जो मैंने फॉर्मूला बता रखा है डायरेक्ट उसे अप्लाई करो, या तो फिर इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। दोनों तरीके से यहां सॉल्व है, जो अच्छा लगे उसे फॉलो करो। देखिए जरा यहां पर मैंने क्या किया, बिल्कुल एज इट इज यहां से ए की वैल्यू निकाली। ए की वैल्यू क्या है यहां पर 9, बी की वैल्यू क्या है 6 और सी की वैल्यू क्या है 5। मैंने क्या करा, फॉर्मूला यहां लिखा, फॉर्मूला याद है तो यहां पर तुरंत लिखिए इस फॉर्मूले को। 1/9 क्यों, क्योंकि 1/ में ए था, ए क्या है हमारा 9, मैंने यहां लिख दिया डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस में। देखिए यहां पर 6 बी है, ठीक है, बी अपॉन में 2a, 2a यहां पर लिखा, कैंसिल करके क्या आ गया यहां पर 1/3। ओके 5/9 क्यों, c बाय ए है तो 5/9 हो गया, माइनस 36 यानी कि b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 6, तो हमने यहां पर लिखा 6 का स्क्वायर 36, 4 इंटू में a का स्क्वायर, a क्या था 9, तो 9 इंटू में 9 लिख दिया, 9 से इसे कट किया 4 आ गया, 4 से 4 ये कट हो गया, यानी कि 1/9 बचा, यानी 5 - 1/9 एंड अल्टीमेटली कितना बचा हमारे पास 1/9 डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस में 1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 4/9। 4/9 को क्या लिख सकता हूं मैं, डी एक्स एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया हमारे पास फॉर्मूला, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला कि 1/ में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर दे रखा होगा आपको, तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि 1/ में ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो हम लोगों ने क्या किया, जो कांस्टेंट बाहर लिखा हुआ था उसको लिखे रहने दिया, हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 1/ a क्या था हमारे पास 2/3, वो हमने यहां पर लिख दिया, 3 से 9 कट हो गया, तो अंदर नीचे क्या बचा 2 × 3, वो कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। हम लोगों ने यहां पर भी सॉल्व कर दिया एलसीएम लेकर के, क्या बचा हमारे पास 3x + 1/2। अब आप बोलोगे सर आपने ये अप्लाई कर दिया परफेक्ट स्क्वायर, देखिए जरा परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर में क्या करना था, ए कॉमन निकालना था, पूरे में से 9 कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहां पर 6/9 आएगा, मैंने 3 के टेबल से कट किया तो ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 3। अब अल्टीमेटली अगर इसे देखा जाए तो ऊपर 2 तो आ गया, हमें अल्टीमेटली 2 चाहिए होता है ना, जब 2 नहीं था तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, लेकिन अब 2 है ना तो अब क्यों करें, तो 2 था तो 1/3 यहां पर लिखा हुआ और x, तो जो मैंने यहां पर एक बोला था कि x के अलावा एक और वेरिएबल होता है वो उसे क्या मान लिया हम लोगों ने 1/3। अब 1/3 का स्क्वायर भी चाहिए, स्क्वायर चाहिए, एक बार प्लस भी करा और एक बार माइनस करा, तो ये और ये मिलकर के क्या बन गए 1 + 1/3 x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 5/9 माइनस 1/9। इसे सॉल्व किया कितना हो गया 4/9। देखिए जरा यहां पर मैंने इसे यहां पर ऐसे लिख दिया, अब इसको यहां पर ला करके लिख दो या इसको ऐसे करके लिख दो, बात तो सेम ही हुई, अल्टीमेटली फॉर्मूला तो यही अप्लाई होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर आपने रूट वाला तो बताया नहीं, अरे रूट वाला भी सिंपल इसी तरीके से है, जैसे बिना रूट में फॉर्मूला लग रहा है तो अब यहां पर क्या हो जाता है, अगर रूट लगा होता तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते, आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करते ये वाला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किस में, रूट में, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, बस वहां पर ये अप्लाई हो जाता। एक्स की जगह पर आप लिख देते एक्स प्लस में 1/2/3, सॉरी 1/3, एक्स की जगह पर क्या लिखते एक्स प्लस में 1/3, और इसकी जगह पर आप यही पूरा का पूरी इक्वेशन लिख देते, ठीक है। तो रूट वाला कुछ डिफरेंट नहीं है, अगर आपको बिना रूट वाला निकालने आ गया है तो रूट वाले में बस रूट वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो आई होप आप लोगों को जो टाइप टू है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप थ्री की तरफ, जो कि हमारा लास्ट टाइप है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप थ्री। यहां पर क्या होगा, यहां पर अपॉन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो कि विद और विदाउट रूट हो सकती है, पर यहां पर न्यूमरेटर में एक और इक्वेशन होगी जो कि लीनियर इक्वेशन होगी कुछ इस तरीके से। यहां पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि एक जनरलाइज वे क्या होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले जनरलाइज वे समझते हैं जो कि हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, हर क्वेश्चन में अप्लाई, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो।
तो चलिए देखते हैं वो जनरलाइज वे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका जनरलाइज वे। देखिए आप लोगों को जो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मैं इसी को एग्जांपल मान करके चल रहा हूं। आपको करना क्या है, आपको ये चीजें समझते हुए चलनी है। जब कभी भी आपको एक लीनियर इक्वेशन ऊपर दे रखी है, अपॉन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो आप लोग करोगे क्या, उस लीनियर इक्वेशन को एक दूसरी इक्वेशन के इक्वल रखना है, जिस इक्वेशन में आपको ना तो ये पता है ए क्या है, ना ही ये पता है कि बी क्या है, आपको नहीं पता, ये आपके लिए अननोन है। आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है, यहीं से इसी इक्वेशन में से आपको वैल्यू निकालनी है। यहां पर ए के मल्टीप्लाई में क्या दे रखा होगा आपको, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है उसी का डेरिवेटिव यहां पर लिखा होगा। ओके, उसका डेरिवेटिव यहां पर लिखा होगा। ध्यान से समझते जाइए, जो ऊपर लीनियर इक्वेशन है हमें उसके इक्वल में क्या रखना है, ए इंटू में डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, प्लस बी। ओके, आगे देखते हैं। जब कभी भी आप इस तरीके से, यानी कि अब ये इक्वल ये हो चुका है, ये किसके इक्वल रखा है, इसके इक्वल, यानी कि इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं, तो मैंने क्या करा, इसकी जगह पे ये लिख दिया। यहां पर क्या लिखा मैंने, ए इंटू में डी अपॉन में डी एक्स, डी इंटू में फंक्शन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपॉन में डी एक्स प्लस सी, ये जो लिखना था भाई ये इसके इक्वल रखा है तो यही लिखेंगे। लेकिन फर्क क्या हो गया यहां पर, अब हमें इसकी वैल्यू पता चल चुकी है, लेकिन कहां से पता चली है, यहीं से पता चली है, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पता चली है। ओके, देखिए अब यहां पर नीचे देखिए, मैंने नीचे क्या करा, नीचे यहां पर मैंने इन दोनों को सेपरेट करके लिख दिया। अब जब मैंने इन दोनों को सेपरेट करके लिखा तो हुआ क्या कि ये जो डेरिवेटिव वाला पोर्शन है इसको अलग लिख दिया, कॉन्स्टेंट वाला पोर्शन है इसको अलग लिख दिया। डेरिवेटिव वाला जो पोर्शन है हमारे पास, डेरिवेटिव वाला पोर्शन अलग हो गया और ये पोर्शन अलग हो गया। देखते हैं डेरिवेटिव और इससे कैसे सॉल्व करेंगे। इसको आई वन मान लिया, इसको आई टू मान लिया, आई वन को सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, आई वन में मैंने क्या किया, मैं जानता हूं कि इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, मैं जानता हूं ना इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको लेट कर लिया टी, और मैंने उसका डेरिवेटिव निकाला, तो डी टी बाई डी एक्स। अब यहां पर जो उसका डेरिवेटिव होगा वो क्या आ जाएगा, डी इंटू में फंक्शन अपॉन में डी एक्स। अब यहां से डी एक्स यहां गया तो क्या आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, डी टी की वैल्यू। डी टी की वैल्यू क्या आई है, डी टी की वैल्यू आई है ये कुछ समथिंग, यहां पर देखिए डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी इंटू में फंक्शन डी एक्स। इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंटू में डी एक्स। अब यही चीज तो हमें यहां दे रखी थी, देखिए यही चीज तो दे रखी थी हमें यहां, और इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डी टी। मैंने यहां पर डी टी लिख दिया और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या माना है, टी। सिंपल, अब देखिए अब क्या बचा इसमें, वन अपॉन में टी का इंटीग्रेशन करना है, अब और कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं दूसरा वाला पोर्शन। अरे भाई दूसरा वाला पोर्शन अभी टाइप टू याद है, अभी क्या है टाइप टू, टाइप टू में क्या था, ऊपर कोई सा भी कॉन्स्टेंट लिखाओ, वन लिखाओ, चाहे कोई सा भी कॉन्स्टेंट लिखाओ, उससे घबराने की तो जरूरत है नहीं, इसे बाहर लिख दो। अल्टीमेटली क्या बन गया, वन अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा है, तो ये कैसे हो जाएगा, सेम एज टाइप टू। तो जनरलाइज वे क्या है कि आप लोगों को पी एक्स प्लस क्यू को एक इस ऐसी क्वेश्चन के इक्वल में रख देना है, वहां से ए बी की वैल्यू निकाल लेनी है, इन दोनों को सेपरेट कर देना है। इसको कैसे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेट टी करना है, और वहां से आप लोगों को इसका डेरिवेटिव निकाल करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं हम लोग इसका एक्चुअल क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जब एक्चुअल में क्वेश्चन करेंगे टाइप थ्री का तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे रखा है एक्स प्लस टू अपॉन में टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैं बिना रूट वाला कर रहा हूं, तो अगर रूट वाला आता तो वो भी इसी तरीके से होगा, बस उसमें रूट वाले फॉर्मूले लग जाएंगे। ओके, देखते हैं जरा यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने क्या बताया आप लोगों को, जो कोई सी भी क्वेश्चन ऊपर दे रखे होगी उसे आपको एक ऐसी क्वेश्चन के इक्वल रखना है जिसमें ए के मल्टीप्लाई में क्या दे रखा होगा, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी। हम लोगों ने उसी तरीके से रख दिया इसे इसके इक्वल। ओके, जब मैंने इसे इसके इक्वल रखा तो यहां पर क्या आ जाएगा, फोर एक्स ए प्लस में सिक्स ए प्लस में बी। अब हम लोगों ने क्या किया, एक्स के कोफिशियंट को एक्स के कोफिशियंट से कंपेयर किया, यहां पर क्या है वन, यहां पर क्या है फोर ए, कंपेयर किया, यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वन बाय फोर, ठीक है। अब जो कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से कंपेयर किया, कॉन्स्टेंट क्या था टू, और यहां पर कॉन्स्टेंट क्या था सिक्स ए प्लस बी, यानी टू इज इक्वल टू सिक्स ए प्लस बी। यहां से टू इज इक्वल टू सिक्स इंटू में ए की जगह क्या रखूंगा, वन बाय फोर,
यहां से 3/2 आया, 3/2 यहां गया, 2 - 3/2 इज 1/2, यानी b की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और a की वैल्यू क्या आ गई 1/4। अब मैं क्या रख सकता हूं, यहां पर 1/4 और यहां पर 1/2। अब मैंने इन दोनों को क्या बोला था, इसको अलग कर देना और इसको अलग कर देना है, इसको अलग कर दिया, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, ठीक है। इसको फर्स्ट करा तो देखिए जरा इसे सॉल्व करते हैं, ए की वैल्यू को बाहर रख दिया, ये क्या है डेरिवेटिव किसका, इसका, तो नीचे वाले को क्या मान लिया टी, ओके। तो इसको डेरिवेटिव किया, ये आ गया डीएक्स यहां चला गया, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं अब डी टी, डी टी यहां पे लिख दिया अपॉन में टी, 1/t क्या होता है लॉग टी, ओके। तो 1/4 लॉग टी सी वन, इसका कॉन्स्टेंट है सी वन मान लिया, ओके। तो 1/4 लॉग 2x² + 6x + 5 + c1, ये किसका है फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले को देखते हैं, मैंने क्या बोला था सेकंड वाला कैसा हो जाएगा आपके लिए, वैसा ही टाइप टू की तरह। तो देखते हैं जरा, यहां पर 1/2 बाहर लिखा हुआ है, dx अपॉन में 2x² + 6x + 5, मैंने यहाँ पे क्या किया वही वाला फॉर्मूला लगा दिया, x प्लस में b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर प्लस में c/a - b² / 4a² तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। देखिए यहां पर अगर a की वैल्यू बोली जाए तो 2 है, b की वैल्यू बोली जाए तो 6 है, और c की वैल्यू बोली जाए तो 5 है। तो मैंने b यानी कि 6 अपॉन में 2a यानी कि 2 × 2 में a की वैल्यू भी 2 ही है, और यहाँ पे रख दिया सॉल्व किया, यहाँ पे 3/2 आ गया। देखिए जरा यहाँ पर 3/2 लिख रखा है, 5/2 यानी कि c/a - b² b क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 अपॉन में 4a का स्क्वायर, तो a क्या है 2, तो मैंने 2 को 2 × 2 लिख दिया, 4 को कट किया 36, 4 36 से कट हो गया, यहाँ पर 9 आ गया, बचा क्या 9/4। देखिए यहाँ पर मैंने इसे क्या कर दिया 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर क्या आ गया डिनोमिनेटर सेम हो गए 4 4, अब 10 - 9 कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1/4 बचा, 1/4 को क्या बोल सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ से सॉल्व होकर के क्या आ गया हमारे पास, ये बन गया, अभी क्या हो गया x² + a का स्क्वायर। तो देखिए जरा यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला लगा सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा मेरे पास जो कॉन्स्टेंट 1/4 लिखा था वो तो लिखा ही हुआ है, 1/a क्या है 1/2, तो 1/1/2 लिखा, 4 × 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 बचेगा केवल, ओके। टेन इनवर्स एक्स प्लस में 3/2 अपॉन में ए आता है, तो ए क्या है हमारे पास 1/2। जब मैं इसको पूरा का पूरा ओवरऑल सॉल्व कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2 टेन इनवर्स, यहां पर एलसीएम लूंगा तो 2x + 3 हो जाएगा अपॉन में 2, यहां पर भी अपॉन में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचा केवल 2x + 3, और जो यहां से सॉल्व होकर आया था वो हमने यहां पर ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आप लोगों को जो तीनों के तीनों टाइप थे वो समझ में आ गए होंगे, तो आई होप आप लोगों को 7.4 समझ में आ गई होगी।